क्या आपका स्मार्ट टीवी बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है और अब वो स्लो परफॉर्म कर रहा है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे यूज़र्स फेस करते होंगे, लेकिन अब पुराने टीवी को नए खरीदने में बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन अब आपको पता है कि अब आप बिना पैसे खर्च किए भी अपने पुराने स्मार्ट टीवी को सुपर फास्ट कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर कर सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसको सुपर फास्ट बनाने के लिए आपको अपने स्मार्ट टीवी के साथ कोई एडिशनल डिवाइस खरीदना होगा, तो नहीं, ये काम आप बिना पैसे खर्च किए कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना होगा। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं आमतौर पे जो हमें डेली की लाइफ में और जो टेक से जुड़ी होती हैं, लेकिन हम अवेयर नहीं होते उन सब के बारे में। तो इन्हीं चीज़ों को और अच्छे से अवेयर करने के लिए हमें कुछ इस तरह जो सेगमेंट है इसमें आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज लेकर आते हैं। तो हाय, मेरा नाम है मोहिनी और आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही कुछ सिंपल ट्रिक्स बताऊंगी जिसमें आप अपने पुराने स्मार्ट टीवी की जो परफॉर्मेंस है उसको नए स्मार्ट टीवी की तरह बना सकते हैं, उसको सुपर फास्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्मार्ट टीवी जो है ना आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया और हर कोई आजकल स्मार्ट टीवी पे स्विच कर रहा है। और अब जो मार्केट में टीवीज़ आ रहे हैं वो बहुत बड़ी स्क्रीन के साथ आ रहे हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है 32 इंच से लेकर 65 इंच तक, तो जितना ज़्यादा बड़ा टीवी होता है उसकी मेंटेनेंस भी उतनी ज़्यादा होती है, लेकिन जो फीचर्स हैं वो काफ़ी हद तक सारे स्मार्ट टीवीज़ में सेम मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आपके टीवी में बहुत सारे ऐप्स मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन उनका एक्सेस दिया गया है, तो उससे क्या होता है कि आपके जो टीवी की जो वेटेज है वो ज्यादा बढ़ती है। तो ऐसे में जो बैटरी यूसेज होता है वो ज्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा टीवी जो है ना वो स्लो हो जाता है। तो ऐसे में आप अपने टीवी के मोशन एनहांसमेंट को और ज्यादा या फिर उसके जो परफॉर्मेंस है उसको और ज्यादा बेटर बनाने के लिए जो एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं टीवी में वो आप डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं आपके टीवी में जिनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने ऐप्स हैं उनको अनइंस्टॉल करें या फिर जितने भी बेकार के फीचर्स हैं उनको अपने टीवी से हटा दें। तो ऐसे में क्या है, आपका जो टीवी है वो पहले से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए सिंपली आप अपने टीवी की सेटिंग्स में चले जाइए और जो जो फीचर आपके इस्तेमाल नहीं आता है उसको आप डिसेबल कर दें। तो ऐसे में जो फीचर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी की जो यूसेज है वो और बेटर तरीके से होगी और जो टीवी पहले के कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जितने भी स्मार्ट गैजेट्स होते हैं, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है या स्मार्ट टीवी है, तो टाइम टू टाइम इनको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ये यूज़र्स भूल जाते हैं कि स्मार्टफोन की तरह ही आपका जो स्मार्ट टीवी है उसको भी नए अपडेट्स की ज़रूरत होती है, और कंपनियाँ जो है वो टाइम टू टाइम नए अपडेट्स तो जारी करती है लेकिन हम उन्हें अपडेट करना भूल जाते हैं। तो ऐसे में जो टीवी की परफॉर्मेंस है वो लैग करने लगती है और जो नए अपडेट्स आते हैं, जैसे कि कोई बग आया है या कोई अपडेट आया है ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके टीवी के लिए, वो आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में सेटिंग्स में जाके कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता है अपने टीवी में तो उसको तुरंत से डाउनलोड या इंस्टॉल कर ले। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा लेकिन आपको ये फील होगा कि आपका जो टीवी है वो पहले के मुकाबले और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो ऐसे में अभी तक आपने अपने स्मार्ट टीवी को अपडेट नहीं किया है तो एक बार इसको ज़रूर अपडेट करके देखें। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपने स्मार्ट टीवी अगर आपका बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, तो आप एक वायर्ड कनेक्शन पर स्विच कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल स्मार्ट टीवी ऐसे आते हैं जो कि वायरलेस तरीके से काम करते हैं और इंटरनेट कनेक्शन जो है वो उसमें वायरलेस होता है, इसकी वजह से जो ऐप्स हैं वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट प्रॉपर नहीं होगा तो स्मार्ट टीवी के जो फीचर्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में आप वायर्ड कनेक्शन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं, क्योंकि वायर्ड कनेक्शन से क्या होता है, वायर्ड कनेक्शन से स्टेबल और फास्ट इंटरनेट मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो ऐप एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा बेटर होता है, जल्दी आपका टीवी जो है वो अपडेट होगा और ऐसे में जितने भी टीवी में फीचर्स दिए गए हैं उनको आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वायर्ड कनेक्शन पर स्विच करने के लिए आपको एक ईथरनेट केबल के ज़रिए अपने स्मार्ट टीवी के लैन पोर्ट को कनेक्ट करना होगा, तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, और राउटर से या मोडेम के थ्रू भी आप अपने लैन पोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी इन सबका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बाद इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए सेटिंग्स में जाके आप इंटरनेट सेक्शन में जाकर ये जो वायर्ड कनेक्शन है इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो टीवी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये जो 3 फीचर्स हैं इनके ज़रिए आप अपने किसी भी पुराने स्मार्ट टीवी की जो परफॉर्मेंस है उसको फास्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं लेकिन
बहुत सारे आम यूजर्स ऐसे हैं जिनको इनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। तो ऐसे में अगर आपने अभी तक ये ट्रिक्स फॉलो नहीं की है तो इनको एक बार ज़रूर करें। ये वीडियो उन यूज़र्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि अपने पुराने स्मार्ट टीवी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं या नए स्मार्ट टीवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है ये फीचर इस्तेमाल करके आपका जो करंट टीवी है और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने लगे, तो ऐसे में आपको पैसे खर्च करने से आप बच सकते हैं। और साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।